प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर के अधिकारियों पर दिए गए बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी मंत्री के बयान को सही ढंग से पेश न करने की बात कही है। हमीरपुर में धूमल ने कहा कि हालांकि ये मसला प्रदेश सरकार का है और उन्हें लगता है कि वीरेंद्र कंवर के बयान को भी सही ढंग से पेश नहीं किया गया है। धूमल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 दिसंबर को होने वाली रैली पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को होने वाली रैली जबरदस्त होगी और सरकार के एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का भी व्याख्यान किया जाएगा। प्रश्न सरकार का है और मुझे लगता है बयान को भी शायद सही ढंग से पेश नहीं किया गया है। जबरदस्त रैली होगी, एक साल के सरकार की उपलब्धियों का बखान भी होगा। प्रधानमंत्री उसी अवसर पर आ रहे हैं 27 दिसंबर को ही। बढ़िया रैली होगी, जोरदार होगी। कांग्रेस के द्वारा प्रदेश सरकार के एक साल के कार्यकाल की किए गए कार्यों पर चार्जशीट बनाने के मामले में धूमल ने कहा कि चार्जशीट बनाने एक परंपरा बन गई है और चार्जशीट पर शोर करने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जैसे केंद्र में राफेल का मुद्दा उठाकर हो हल्ला कर रही है, उसी तरह प्रदेश में कांग्रेस भी चार्जशीट के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक चार्जशीट देखी नहीं जाती तब तक टिप्पणी करने का कोई मायने ही नहीं रह जाता है। अब बोल ही रही है, अब करेगी चार्जशीट तब तो कुछ बोलेंगे, ऐसे बिना चार्जशीट देखे क्या बोले। एक रिचुअल बन गया है कि चार्जशीट देनी है, साल हो गया, दो साल हो गए चार्जशीट। तथ्य कोई हो तो बताएं। केवल प्रचार के लिए जैसे राफेल पे शोर करते रहे, ऐसे चार्जशीट का शोर करते रहने से तो कोई लाभ नहीं होगा।